ओके जी, आज हम देखेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कैसे इस तरह बना सकते हैं कि वो ऑनलाइन सेव हो सकें और ऑनलाइन वेब के ऊपर पड़े हों और वहाँ से शेयर हो सकें और हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी जगह से एक्सेस कर सकें। तो नॉर्मली जो हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में होता है क्या कि हम अपने मुख्तलिफ कोई भी डॉक्यूमेंट हम किसी भी प्रोग्राम के थ्रू बना सकते हैं। हम नोटपैड में सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस दिया हुआ उसमें वर्ड को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ्स, पिक्चर्स और ड्राइंग्स, उसके साथ साथ टेबल, ग्राफ्स, सारा कुछ जो भी हमने किसी भी फॉर्म में हमने लिखना हो, प्रेजेंट करना हो, वो हम डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट बेसिकली रिच टेक्स्ट होता है जिसमें हम फॉन्ट डाल सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं और मल्टीमीडिया के ऑब्जेक्ट्स भी डाल सकते हैं। वो हम जब डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो नॉर्मली जब हम सेव करते हैं डॉक्यूमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट्स हम अपने डाल सकते हैं जो कि टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं और ड्राइंग हो सकती है, और इसके अलावा ग्राफ्स और जो काफ़ी सारे मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट्स आप डाल सकते हैं। अब ये आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट के लिए जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी आप उस तरह के कंटेंट्स उसमें डाल सकते हैं और उनका जो विजुअल इफेक्ट्स उसको आप दे सकते हैं, अपीयरेंस से रिलेटेड कलर्स, बैकग्राउंड और मुख्तलिफ जो इफेक्ट्स हैं या जो स्टैंडर्ड स्टाइल्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। पर्पज़ उसका यह है कि डॉक्यूमेंट में आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट करनी है। जब आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद नॉर्मली आप उसको सेव करेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो लोकल सेव होता है एज ए फाइल टू सम फाइल, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे या उस मशीन के ऊपर जिस पे आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं जब आप सेव करेंगे तो एज ए फाइल वो। फॉर एग्जांपल मैं इस जो मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट टाइप किया मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे लाइब्रेरीज के अंदर डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर जो भी मैं इधर यहाँ पे नाम टाइप करूँगा, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स ओवरव्यू .txt, तो ये मेरे इस फोल्डर के अंदर सेव हुआ है जाके लाइब्रेरीज के अंदर। अब मैंने इस डॉक्यूमेंट को किसी और के साथ शेयर करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है शेयर करने की डॉक्यूमेंट। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इसका प्रिंट ले सकता हूँ, ठीक है, मैं अपने लैपटॉप को प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके तो इसका प्रिंट लेके किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इसको अटैच करके ईमेल कर सकता हूँ। ओके, अच्छा, आप ईमेल पे अटैच करके वो डॉक्यूमेंट जो है ना किसी भी बंदे को भेज सकते हैं, उसके साथ आप जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जैसे चैट के प्रोग्राम्स हैं, MSN है, स्काइप है या गूगल का जो भी MSN का प्रोग्राम है, आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू आप डॉक्यूमेंट एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और ऑप्शन यह है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेब के ऊपर पड़ा हो, आपने किसी वेबसाइट पर रखा हुआ हो और आप किसी को वो उसका लिंक भेज दें जिसको कि हम नॉर्मली URI या URL या वेब एड्रेस कहते हैं, वो किसी बंदे को सेंड कर दें तो वो डॉक्यूमेंट एक सेंट्रल सर्वर पे पड़ा होगा, वहाँ से हर बंदा उसको एक्सेस कर लेगा। ये चीज़ अब काफ़ी कॉमन होती जा रही है, बहुत सारी सर्विसेज जो है ना वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे जो है ना हमारे फेमस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों का भी है एक स्टोर, आप अपनी फाइलें ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और आप बजाय इसके कि हर बंदे को फाइल अटैच करके भेजें, अगर आपने एक ही फाइल 10 बंदों के साथ शेयर करनी है तो 10 बंदों को सेपरेट ईमेल करें या प्रिंट करके दें या किसी तरह, तो आप एक सेंट्रल लोकेशन पे एक सर्वर के ऊपर वो फाइल जो है ना वो सेव कर दें। जब आप फाइल सेव करेंगे तो उसका एक यूनिक जो है ना वो एड्रेस, वेब एड्रेस या URL या URI जो है ना वो आपको मिल जाएगा। फिर आप वो URL या जिसको हम नॉर्मल लिंक भी कह सकते हैं वो लिंक सबको भेज दें जिसको वो डॉक्यूमेंट चाहिए या जिससे भी वो रेलिवेंट है, तो वो उसी ऑनलाइन सर्वर से कनेक्ट होकर उस लोकेशन पर जाके उस लिंक पर जाके जो है ना वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो रीड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। अच्छा, ये तो है कि डॉक्यूमेंट आपने लोकल बनाया, फिर आपने इसको प्रिंट करके, ईमेल करके या वेब सर्वर किसी के वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके उसका लिंक के थ्रू लोगों के साथ शेयर कर दिया।
लेकिन अब जो नॉर्मल जो अब हो चुका है और मजीद अब होने जा रहा है और जो कॉमन हो जाएगा वो ये है कि हम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो बनाएंगे ही वेब के ऊपर। यानी हमें हो सकता है फ्यूचर में, अभी भी बहुत सारी सर्विसेज हैं लेकिन नॉर्मली जो अभी तक हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये है कि हम अपने जो वर्ड प्रोसेसर्स या दूसरे प्रेजेंटेशन या अपना जो हम डाटा जो है शीट्स स्प्रेडशीट्स में स्टोर करने के लिए रखते हैं वो सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोकली इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वालों का ऑफिस, जिसमें वर्ड प्रोसेसर भी है, उसकी स्प्रेडशीट का एक्सेल प्रोग्राम भी है, फिर प्रेजेंटेशन देने के लिए पावर पॉइंट है उनका, फिर डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है। ये सारे जो है ना हमारे कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं और जितनी हम फाइलें बना रहे होते हैं वो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू उसी लैपटॉप पे उसी कंप्यूटर पे सेव हो रही होती है। लेकिन जब जो ट्रेंड चेंज होने जा रहा है वो है फ्रॉम लोकल टू वेब, कि ये सारी सर्विसेज जो कि मैंने मेंशन की, जैसे वर्ड प्रोसेसर है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए है, या डेटाबेस है, या एक्सेल की स्प्रेडशीट बनाने के लिए है, ये सारी सर्विसेज जो है ना अब वेब पे अवेलेबल होंगी। अभी भी हैं लेकिन अब ये और कॉमन हो जाएगा। बहुत सारे वेंडर्स जो है ना ये चीज़ें दे रहे हैं और मजीद जो है ना वो सारे इसको और बेहतर करते जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो हमें लोकल नहीं सेव करना पड़ेगा। वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज ऑफिस में था तो मैंने ऑफिस में डॉक्यूमेंट मैंने लिखना शुरू किया, मैंने 2 पेज लिखे। अब 2 पेज लिखने के बाद मैं घर आ गया, मैं उसी डॉक्यूमेंट पे अगर काम करना चाह रहा हूँ तो अब अगर मैंने लोकली लैप ऑफिस के कंप्यूटर पे वो डॉक्यूमेंट सेव किया था तो वो उधर ही रह गया। अब या तो ये है कि मैं उधर से आते हुए अपने आप को सेंड कर लूँ, ईमेल कर लूँ और घर पर आके ईमेल से वो डॉक्यूमेंट खोल के दोबारा उसमें तीसरा चौथा पाँचवा मजीद जो पेजेस जो है ना वो मैं उसमें ऐड कर दूँ और फिर मैं सेव करूं, और सेव करने के बाद अगर मैं सुबह ऑफिस जाता हूं तो मुझे उसी डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो अब वो मुझे जो मैंने घर पे काम किया था वो दोबारा ऑफिस में मुझे सेंड करना होगा, मैं उसको दोबारा ईमेल करूंगा। और अगर मैं कल जाने से पहले ईमेल करना भूल गया तो जब ऑफिस पहुंचूंगा तो मेरे पास वही 2 पेजेस होंगे जो मैंने आज किए थे, तो जो मैंने घर आके काम किया रात को वो ऑफिस में मुझे अवेलेबल नहीं होगा। इसकी बेस्ट जो सोल्यूशन वो ये है कि मैं जब डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करूं ऑफिस में तो मैं उसको सेव भी वेब के ऊपर करूं, किसी वेबसाइट के ऊपर जो मेरी सर्विस है वर्ड प्रोसेसर की, मैं वो अगर सेव कर रही है वेब के ऊपर तो मैं वहीं वेब के ऊपर ही सेव करूं। घर में हूँ, मुझे पता है मैंने इस वेबसाइट पे इस सर्विस के थ्रू डॉक्यूमेंट बनाया था, मैं उस सर्विस पे लॉगिन हो जाऊँ वो डॉक्यूमेंट मुझे अवेलेबल होगा। अगर मैं घर में भी नहीं हूँ कहीं और जाता हूँ, ठीक है मैं अपने म्यूनिपल ऑफिस में चला जाता हूँ वहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए तो मुझे यहाँ से दोबारा सेंड नहीं करना पड़ेगा, लेके नहीं जाना पड़ेगा, मैं उस सर्विस के ऊपर वेब के ऊपर लॉगिन होऊंगा और अपना डॉक्यूमेंट ओपन करके उसको प्रिंट करूँ, किसी के साथ शेयर करूँ, उसको चेंज करूँ, उसमें कॉन्टेंट्स और ऐड करूँ, जो भी मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अच्छा तो इसमें जो आज हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं वो है गूगल डॉक्स। गूगल वालों ने एक सर्विस शुरू की है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना बना सकते हैं। उन्होंने जो भी सर्विस शुरू की है उसमें हम डॉक्यूमेंट्स जो है ना बना सकते हैं, टेक्स्ट टाइप के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं हम, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, फिर इसके अलावा हम स्प्रेडशीट्स अपनी मैनेज कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी देखते हैं अगर कोई और ऑप्शन भी इन्होंने दी हुई। तो आज जो है नॉर्मली हम डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे और कल जो है प्रेजेंटेशन और उसके बाद स्प्रेडशीट्स पे हम देखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो मिनिमम जो है वो ये है कि हमें उनकी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होना पड़ेगा, हमें एक यूज़र आईडी चाहिए होगा। तो आप जीमेल या गूगल मेल जो है अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप गूगल या जीमेल जो है ना उसका अकाउंट बना के तो आप ये सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली हाँ, गूगल डॉक्स के बारे में अगर आपने मज़ीद देखना है तो आप विकीपीडिया पे जाकर गूगल डॉक्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। उसमें अगर आप सर्च करेंगे गूगल डॉक्स तो आप देखेंगे कि वो बता रहे हैं कि गूगल डॉक्स इज़ ए फ्री वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर। इसमें क्या है कि एक फ्री वेब बेस्ड प्रोसेसर है जिसमें वर्ड प्रोसेसर भी है, स्प्रेडशीट्स भी है, प्रेजेंटेशंस भी आप बना सकते हैं और फॉर्म्स की फैसिलिटी भी है, और डाटा स्टोरेज जो है वो ऑफर्ड बाय गूगल है। यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो वर्ड प्रोसेसर हो, स्प्रेडशीट हो या प्रेजेंटेशन हो, उसकी जो स्टोरेज होगी, जो फाइल या जो डाटा स्टोर होगा वो वेब के ऊपर ऑनलाइन ही सेव होगा।
इट अलाउज यूजर टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वाइल कोलैबोरेटिंग इन रियल टाइम विद अदर यूजर्स। ठीक है, तो अब आप डॉक्यूमेंट आपने बनाया, आप वही डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं दूसरे बंदों को। इसका एक और फायदा ये भी है कि अगर एक डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ सेक्शन के मुख्तलिफ बंदों ने काम करना है, ठीक है, मैंने अगर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर उसकी ओवरव्यू देना है, किसी दूसरे बंदे ने उसकी लोकेशंस के बारे में डिस्क्राइब करना है, किसी तीसरे बंदे ने उसमें किसी और सेक्शन पे काम करना है, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट तीन चार कोलीग्स या बंदों के दरमियान में शेयर किया जा सकता है और हर बंदा अपने अपने सेक्शन के ऊपर अपनी चेंजेस करके उसी के ऊपर अपलोड कर सकता है। ठीक है, ये भी इसका फ़ायदा कि कोलैबोरेशन काफ़ी है, शेयरिंग इम्प्रूव हुई है, कोलैबोरेशन है। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये ओरिजिनली जो है ना रिप्ले वालों ने डॉक्यूमेंट शुरू किए थे, फिर गूगल वालों ने प्रेजेंटेशन शुरू की, तो दोनों ने मिलके जो भी गूगल डॉक्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो शुरू किया हुआ। ठीक है, इसकी मज़ीद जो है ना वो हिस्ट्री आप यहाँ से पढ़ सकते हैं विकिपीडिया के ऊपर। अब हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करना है, तो हम docs.google.com पे जाएंगे। अच्छा, अगर आपका अकाउंट है तो आप उस अकाउंट से लॉगिन कर दें, और अगर नहीं है तो आप अपना जीमेल के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, अब मैं गूगल डॉक्स में लॉगिन कर गया हूँ। ठीक है, गूगल डॉक्स में लॉगिन कर गया हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में हूँ। डॉक्यूमेंट्स में क्या है, डॉक्यूमेंट्स में मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये न्यू डॉक्यूमेंट है, या मैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसकी डिटेल के, मैं कोई भी अगर मेरे पास लोकली डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है मैं उसको ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे करूँगा तो ये खुद ही अपलोड कर देगा ऊपर। अच्छा, अगर मैंने न्यू डॉक्यूमेंट करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये मुख्तलिफ टाइप के डॉक्यूमेंट्स ही हैं, मैं डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट टाइप का डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकता हूँ, स्प्रेडशीट, फॉर्म या अपनी कोई ड्राइंग जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म के जो डॉक्यूमेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं ये मैं क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैंने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वो ऑन। ठीक है जी, उसने ये इंटरफेस खोल दिया है न्यू डॉक्यूमेंट का। ठीक है, ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट अभी दिखा रहा है, ये मेन्यू आ गया, ये ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरफेस है जो हम अपनी लोकल जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी हमारे कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, फाइल मेन्यू में आप न्यू कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, आपके लैपटॉप से या कंप्यूटर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ अपलोड कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम करना है, कॉपी करना है डॉक्यूमेंट को, अगर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करना है लोकल, यानी आपका ऑनलाइन को डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है आपने उसको PDF, RTF, टेक्स्ट, वर्ड या HTML फॉर्मेट में उसको अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं, अगर आपने सेव करना है तो सेव। अब ये देखें कि जो स्टैंडर्ड शॉर्टकट हमने पहले एक दिन बात की थी, कंट्रोल ओ ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस सेव करने के लिए और कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए, ये अच्छी बात यह है कि सेम वही स्टैंडर्ड शॉर्टकट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर कोई हमारे लोकल इंस्टॉल नहीं है, ये वेब के ऊपर से हमें ये सर्विस हम एक्सेस कर रहे हैं, ये एक URL है, इस URL के थ्रू हमें ये सारी सर्विस अवेलेबल है, ये वेब पेज हमारे पास है जो खुला हुआ है, उस वेब पेज में हम ऑलमोस्ट वो सारे काम कर सकते हैं जो हम ऑफिस या किसी वर्ड प्रोसेसर में जो कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हुआ होता है उसके थ्रू कर सकते हैं, हम अपने एक्शन अनडू रीडू कर सकते हैं, सेम शॉर्टकट्स कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स कट के लिए है, कंट्रोल सी ठीक है सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है ना ये हैं। अच्छा, इसी तरह फॉर्मेटिंग में अपना टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट ये कर सकते हैं, पैराग्राफ की है, लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन है, इमेजेस, लिंक्स और ड्राइंग्स और कमेंट्स, ये सारा हेडर फुटर ये सारी चीज़ें जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में होती हैं वो सारी अवेलेबल हैं, वो हम डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक सपोज डॉक्यूमेंट मैंने बनाना है हरूणाबाद के ऊपर। ठीक है, हरूणाबाद एक सिटी है पाकिस्तान में, मेरा नेटिव टाउन है, अगर मैंने उसके ऊपर बनाना है तो मैं सबसे पहले उसकी हेडिंग लिखूँगा, हेडिंग लिखने के बाद मैं अब देखूँगा कि भी उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, कि हरूणाबाद है कहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ इस अच्छा लोकेशन में फिर मैं जाके यहाँ पे डाल सकता हूँ कि दिस सिटी स्मॉल सिटी इज
located on the eastern border of India and is in Punjab. ठीक है, इट्स अ स्मॉल टाउन. और जितनी भी जो भी मैंने डिटेल लिखनी हो यहाँ पे लिख सकता हूँ. लोकेशन फिर मैं यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का बता सकता हूँ कि कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें. ठीक है, दिस सिटी हैज़ 5 or 6 हाई स्कूल, 2 degree colleges, 1 for girls and 1 for boys. मज़ीद आप डिटेल इसमें लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये तो है मेन हेडिंग डॉक्यूमेंट की. इसको मैंने अगर मज़ीद बड़ा करना है तो मैं यहाँ से इसका जो है ना फॉन्ट जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज 14 है. ठीक है, इसको बोल्ड कर दो. अगर इसका कलर मैंने चेंज करना है तो कलर की ऑप्शन कलर की हाँ, ये फॉन्ट अगर मैंने चेंज करना है मैं ये फॉन्ट कर सकता हूँ. ठीक है, अंडरलाइन करना अंडरलाइन. अच्छा, ये लिंक है इंसर्ट हाइपर लिंक, आप देख सकते हैं. अगर सपोज हारूनाबाद की ऑलरेडी कोई वेबसाइट है तो हारूनाबाद डॉट नेट फॉर एग्जाम्पल है, तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई बंदा उसको ये इस डॉक्यूमेंट में तो ओवरव्यू है, अगर किसी बंदे ने मज़ीद डिटेल देखनी है तो वो क्या करे कि इस अगर हारूनाबाद के ऊपर क्लिक करे तो ये एज ए हाइपर लिंक अवेलेबल हो. जैसे वो हारूनाबाद के ऊपर क्लिक करे तो उसका जो उसकी हारूनाबाद की वेबसाइट है वो ओपन कर दे. तो मैं इस जिसके ऊपर हाइपर लिंक लगाना है उसको सिलेक्ट किया. यह हाइपर लिंक जो है ना, ये इसका बटन प्रेस किया तो ये वाला डायलॉग ओपन कर देगा. इसमें वो कह रहा है कि हाइपरलिंक किसके ऊपर लगाना है, तो हारूनाबाद के ऊपर लगाना है. और जब भी हारूनाबाद के ऊपर बंदा क्लिक करे तो वो वेब एड्रेस ओपन करे या ईमेल एड्रेस ओपन करे या बुकमार्क ओपन करे. वेब एड्रेस का मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल वेब का जो एड्रेस है जैसे http://harunabad.net ये ओपन कर दे. अगर मैंने उसके क्लिक के ऊपर किसी बंदे को ईमेल करनी है तो मैं ईमेल वाला लिंक डाल दूंगा. अगर बुकमार्क से मुराद ये है कि इसी जो डॉक्यूमेंट में लिख रहा हूँ इसके ही किसी नेक्स्ट पेज पर या सपोज 6वें 7वें या 10वें पेज के ऊपर कोई लिंक है उस पर जाना है तो मैं बुक मार्क ऐड करती हूँ. यानी बुक मार्क जो होता है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट के इंटरनल लिंक को कहते हैं. वेब एड्रेस जो होता है वो एक्सटर्नल वेब के ऊपर किसी वेबसाइट का लिंक आप दे सकते हैं. ईमेल एड्रेस जो होता है, अगर आपने किसी को क्लिक के ऊपर ईमेल के लिए एक प्रोग्राम ओपन करना है तो आप ईमेल एड्रेस का लिंक ऐड कर सकते हैं. अब ये देखें इसके ऊपर ये हाइपर लिंक ऐड हो गया. ठीक है, इसी तरह ये मैंने डिटेल इसमें मैंने कोई इमेज इंसर्ट करना है तो मैं ये इमेज भी यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ. ठीक है, अब इमेज के अगेंस्ट अगर इमेज मेरे लैपटॉप के कंप्यूटर के ऊपर लोकल पड़ा हुआ है तो मैं चूज़ फाइल करके ना लोकली फाइल सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर सकता हूँ ऊपर. वो गूगल की वेबसाइट पर चली जाएगी फाइल, वहाँ से मैं अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकता हूँ. दूसरी ऑप्शन ये है कि मेरे इमेज जो ऑलरेडी किसी वेब पे है किसी जगह पे तो मैं डायरेक्ट उसका लिंक यहीं से दे सकता हूँ. ठीक है, फिर मैं सर्च कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि हारूनाबाद के इमेज सर्च करूँ. ठीक है, उसे नहीं मिले HARUNABAD हारूनाबाद से. अच्छा, सर्च इमेज मिलने तो चाहिए, या शायद ये लोकली वेब की बजाय गूगल से सर्च कर रहे हैं. हाँ नहीं, पिकासा पे पड़े होंगे, पिकासा से सर्च कर लेते हैं. ये पिकासा पे मेरे एल्बम्स पड़े हैं, इसमें फॉर एग्जाम्पल ये हारूनाबाद के एल्बम पड़ा हुआ है. ठीक है, इसमें हारूनाबाद की पिक्चर्स पड़ी हुई हैं. मैं सपोज इसमें कोई पिक्चर लगा सकता हूँ. हाँ, ये हारूनाबाद की जो ग्रेन मार्केट है उसकी मॉस्क की पिक्चर है. ठीक है, वो इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये पिक्चर इंसर्ट होगी. अब मैंने इस पिक्चर को ये अगर सपोज मैंने इसको छोटा करना, मैं इसको यूँ पकड़ के इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ. ठीक है, जितना मैंने इसी तरह जितने इमेजेस मैंने डालने हैं वो मैं इमेजेस वहाँ पर डाल सकता हूँ.
अब सपोज हरुणाबाद की डिटेल बताने के लिए मैंने उसको बताना है कि जी इसमें इसका पॉपुलेशन क्या है, इसका एरिया क्या है, इसमें विलेजेस की कितनी तादाद है, इसमें इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। अगर मैंने ग्राफ या डॉक्यूमेंट टाइप की कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं यहाँ से जाके इंसर्ट के अंदर इमेज हमने डाल लिया, लिंक भी डाल लिया, ड्राइंग देख लेते हैं डाल के। इसमें टेबल की ऑप्शन भी होनी चाहिए और में, हाँ ये टेबल है, मैं इंसर्ट टेबल भी कर सकता हूँ। अब टेबल में नॉर्मली ये होता है कि आप कॉलम्स और रोज ऐड कर सकते हैं, यानी सपोज मैं ये कर देता हूँ कि मुझे 5x2 का कॉलम, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि जी इसमें स्कूल्स कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं और मार्केट्स कितनी हैं, फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की क्या सिचुएशन है और कोई भी प्राइवेट स्कूल कितने हैं। अब ये मैंने हेडिंग दे दी, ठीक है, ये सारी जो है ना ये हेडिंग होगी। इसको सपोज मैं कलर कर देता हूँ ये वाला हेडिंग का कलर, ठीक है, ये इतना इतने तो टेक्स्ट कलर तो हम ये वाला ब्लू कर देते, ठीक है जी। अब स्कूल्स हम कह सकते हैं, सपोज हम इसमें हम स्कूल की तादाद बता सकते हैं कि जी एक गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज़ है, नंबर 2 पे रिजविया स्कूल है, नंबर 3 पे केनाल हाई स्कूल है। इस तरह आप अपनी सारी डिटेल बता सकते हैं। कॉलेजेस में आप बता सकते हैं जी गवर्नमेंट रिजविया इस्लामिया डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ है, फिर इसी तरह सेकेंड फॉर गर्ल्स है। मार्केट आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट जो है वो ग्रेन मार्केट है, उसके बाद सब्जी मंडी है, जो और मार्केट स्पोर्ट्स ग्राउंड में मेरे ख्याल से अब एक हाई स्कूल का ग्राउंड ही बचा होगा, जो अगर है तो बाकी ग्राउंड्स का पता नहीं क्या स्टेटस है। तो स्पोर्ट्स ग्राउंड काफ़ी कम है, मजीद होने चाहिए। पार्क्स की सिचुएशन जो है वो आप बता सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स तो खैर काफ़ी होंगे लेकिन पब्लिक पार्क्स कितने हैं ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आप और मज़ीद कॉलम्स और रोज़ बना के ऐड कर सकते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन। इस तरह की इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होती है, यानी अगर किसी बंदे ने ओवरव्यू लेना है जो आप बात कर रहे हैं तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में दे दें या उसका ग्राफ बना के दिखा दें, तो वो इंफॉर्मेशन जो है ना बड़ी क्विकली जो है ना ओवरव्यू ले लेता है अगला बंदा कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। तो आप इस तरह टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट, अगर आपने को अपनी ड्राइंग इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे था ऑप्शन ड्राइंग की, तो ड्राइंग अपनी कोई चीज़ खुद ड्रॉ करके इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैप खुद ड्रॉ करना है या कोई पिक्चर किस चीज़ की ड्रॉ करनी है तो आप अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। इसमें आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एरो ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, पॉली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पॉली लाइन से मुराद ये है कि आप मुख्तलिफ इस तरह की मुख्तलिफ कॉर्नर वाली पिक्चर अगर आप बनाना चाहें तो ठीक है ये बना दी। इसके अलावा इस तरह की पिक्चर आपने बनानी है, ठीक है, और अगर आपने यहाँ भी इमेज या टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो मैं टेक्स्ट यहाँ भी इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि माई ड्राइंग, ठीक है, ये माई ड्राइंग यहाँ पे आ गई। मैंने यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना है, मैं इसी तरह से अपना इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ। जो एग्जिस्टिंग जो है वो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, अगर मैंने कोई इस तरह की शेप्स इंसर्ट करती हैं तो मैं यहाँ से जाकर अपनी शेप सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ट्राइंगल है वो इंसर्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी शेप्स हैं, कोई भी मैंने इस तरह के एरोज ड्रॉ करने हैं तो मैं एरोज इस तरह इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक, अपनी मैं शेप यहाँ पर पूरी बना के तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अब आपने अपनी जो है ना ड्राइंग मुकम्मल कर ली है, बना ली है, तो आप अच्छा और ऑप्शंस भी हैं। आप अपनी ड्राइंग जो है अगर सपोज की ड्राइंग मुझे लोकल चाहिए तो मैं इसको एज ए PNG या JPG या PDF अपने लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है,
अब मैंने बना ली तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ कि ये सारे ये ड्राइंग जो है ना ये इधर मेरे जो है ना डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होगी। इधर मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ सिलेक्ट करके, ठीक है। और ये मेरी जो है ना ड्राइंग आ गई, ओके। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इंसर्ट बिलो द रो, ओके जी। अच्छा, इस तरह आप अपनी ड्राइंग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और मज़ीद ऑप्शन आप देख सकते हैं, अगर फॉर्मेट, पैराग्राफ, अलाइनमेंट, स्टाइल जो है ना लिस्ट के साथ, हाँ अपनी लिस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें कोई लिस्ट डालनी है, इसी तरह जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई है, अगर मैंने लिखना है स्कूल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये मैं किसी चीज़ की लिस्ट बना रहा हूँ। अब इस लिस्ट को मैंने नंबरिंग देनी है या मैंने बुलेट पॉइंट्स देने हैं, तो मैं इसको जाके सिलेक्ट करके फॉर्मेट में लिस्ट के स्टाइल में डाल देता हूँ। अब अगर मैं बुलेट सेलेक्ट करूँगा तो वो सिंपली डॉट डाल देगा। अगर मैंने 1, 2, 3 नंबरिंग सेलेक्ट करनी तो मैं ये करूँगा तो उसने खुद ही उसको लिस्ट बना के उसके शुरू में नंबर डाल दिए हैं। अब अगर मैंने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, नंबर नहीं सेलेक्ट करने, तो मैं यहाँ से लिस्ट स्टाइल में, इसी तरह आप लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है तो आप ये कर सकते हैं कि मेन लिस्ट को 1, 2, 3 कर लें, सब लिस्ट को इस तरह से II III I या स्मॉल ABC से भी कर सकते हैं। अगर आपने स्क्वायर डालने हैं तो ये देखें, अब नंबरिंग की बजाय उसने सिंपली स्क्वायर जो है ना डॉट्स डाल दिए हैं। तो इस तरह से आप लिस्ट भी बना सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको बना लें तो आप सेव करने के लिए सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करें तो वो पूछ लेगा, और आप यहाँ से यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं, HARWNABAD हरुनाबाद ओवरव्यू। ये मैंने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया है, आप इसको डॉक्यूमेंट, अब उसने हरुनाबाद ओवरव्यू के नाम से सेव कर दिया है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर सकता हूँ। ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि अब मैं डॉक्यूमेंट्स मेरा पड़ा हुआ है, मैं किसी बंदे को शेयर, मैं ईमेल के थ्रू, ठीक है, अटैचमेंट के थ्रू, या पब्लिश ऑन द वेब, मैं इसको ऑन द वेब पब्लिश कर सकता हूँ, पब्लिकली अवेलेबल होगा। शेयरिंग में सेटिंग की डिटेल में कि किस किस बंदे, अब मैं इसका ओनर हूँ, मज़ीद मैं लोग इसमें ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि जी मिस्टर आबिद है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है इसमें से, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके उसको, उस बंदे जितना जिनके साथ मैंने शेयर करना है सबको साथ मैं सिलेक्ट कर यहाँ से शेयर कर सकता हूँ, ठीक है जी। जो बंदे आ रहे हैं इनके साथ में यहाँ से सिलेक्ट करके, अब वो जिसको भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं साथ में उनको राइट भी दे सकता हूँ कि ये बंदा सिर्फ व्यू कर सकता है और ये बंदा सिर्फ एडिट कर सकता है। सपोज मैं उनको सिर्फ व्यू करने का राइट दूंगा तो जिन बंदों की मैंने लिस्ट यहाँ पे ऐड की है उनके मैं राइट सेलेक्ट करके, और फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि सेंड ए कॉपी टू माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट दे सकता हूँ कि भी मैंने ये हरुनाबाद से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लिखा, आप इसको पढ़ सकते हैं, मज़ीद इस पर मुझे इन्फॉर्मेशन या सजेशन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से शेयर करूँगा तो वो शेयर जो है ना उन बंदों के साथ डॉक्यूमेंट जो है ना वो शेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट जो है ना वो शेयर भी कर सकते हैं। ये वाली सारे जो टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग है कि आपने टेक्स्ट को मिडल में फॉर्मेट करना है, राइट साइड पर करना है, ये है कि जस्टिफाई कर लें कि पूरी दोनों साइडों पर लाइनें जो है ना स्टार्ट और एंड इक्वल हों, तो आप ये सिलेक्ट कर लें। ये फॉन्ट से रिलेटेड सारी ऑप्शन है, ये अनडू रीडू की ऑप्शन है, कंट्रोल जेड के थ्रू या कंट्रोल वाई के थ्रू भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ये क्लिपबोर्ड है तो आपने कॉपी पेस्ट करना है, प्रिंट करना है यहाँ से प्रिंट कर लें। टेबल हमने देख लिया। टूल्स में ये सिंपल है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट आप ट्राई कीजिएगा, आप जो वर्ड जो आपका टेक्स्ट है वो आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड था गया, ठीक है। ये हेडर फुटर भी आप डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट में। हेडर होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक चीज़ है इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड को हर पेज पे अपीयर करनी है तो या हर पेज के ऊपर या हर पेज के नीचे, तो आप उसको हेडर या फुटर में डाल दें। फॉर एग्जांपल आप फुटर में हेडर में डाल देते हैं कि जी
harunapod.net कहते हैं कि ये अगर हर पेज पे है तो ये मैंने हेडर डाल दिया, ठीक है, हेडर मैंने डाल दी। अब जितने पेजेस पे मैं जितने पेजेस इसमें डॉक्यूमेंट दूंगा उनके मुझे जैसे ही अगले पेज पे जाऊंगा तो मुझे जो है ना वो दूसरा हरुणाबाद दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हर पेज पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं फुट में कोई चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि मैंने नीचे एंड पे हर पेज के एंड पे मैंने कुछ चीज़ ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे फुटर में कुछ ना कुछ डाल दूंगा, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि पेज नंबर दिस, तो मैं यहाँ पेज फॉन्ट भी डाल सकता हूँ। तो वो ये हेडर फुटर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ें मैं हेडर या फुटर में डालूंगा वो हर पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, मुझे हर पेज पे वो टाइप नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप कुछ करें तो आप सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करें तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं लोकल भी मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो ये लोकल मेरे लैपटॉप पर भी सेव कर देगा, ऑनलाइन तो सेव हो ही चुका है, मैं इसको लोकल भी सेव कर सकता हूँ। और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ या मैं इसको डाउनलोड एज PDF। सपोज मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोकली अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं HTML के तौर पर भी डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं PDF के तौर पर भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये इसने उसको PDF में कन्वर्ट करके मुझे जो नीचे मेरे लैपटॉप पे डाउनलोड करके दे दिया। अब ये PDF मैं रख सकता हूँ, PDF भी मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये PDF जो है ना ये देखें, आज PDF डॉक्यूमेंट जो है ना, अब ये देखें मैंने हरुणाबाद जो है वो हेडर में डाला था तो दूसरे पेज में हरुणाबाद ऑटोमेटिकली आ गया, harunapod.net। ये पहले पेज में भी आ गया था, ये दूसरे में भी ऑटोमेटिकली आ गया, और ये पेज मैंने फुटर में डाला था वो भी हर पेज पे आ रहा है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो कॉन्स्टेंटली आपने रिपीट करवानी है हर पेज के ऊपर टॉप पे या बॉटम पे, वो आप हेडर या फुटर क्रिएट करके उसमें डाल सकते हैं, ऊपर या नीचे। अच्छा, तो ये आज हमने देखा कि हम डॉक्यूमेंट्स जो है ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ना वो ऑनलाइन गूगल डॉक्स के ऊपर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं। उसमें हमने ऑप्शन देखी कि इमेजेस हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल कैसे बना सकते हैं, हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग उसका लाइन फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है, ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं उसमें। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अपनी स्प्रेडशीट्स या प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं गूगल डॉक्स को यूज़ करते हुए।